नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किया कैरेंस के बारे में, जो कि एक नई एमपीवी है इंडियन मार्केट में। इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी प्राइस, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की। किया कैरेंस की प्राइस शुरू होती है 12.44 लाख से और जाती है अप टू 23.52 लाख तक, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट एंड फीचर यू चूज। इस कार में आपको मिलते हैं तीन अलग अलग इंजन ऑप्शन, 1482 सीसी, 1493 सीसी और 1497 सीसी। ये इंजन है पेट्रोल और डीजल में दोनों में अवेलेबल हैं। सेफ्टी के मामले में किया कैरेंस स्कोर किया है 3 स्टार ग्लोबल NCPA की रेटिंग आई है। इसका मतलब है कि ये कार स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के साथ आती है, जो कि आपकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में आपको मिलते हैं मैनुअल, क्लचलेस मैनुअल, IMT और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये चॉइस आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है अपने ड्राइविंग प्रेफरेंस को अकॉर्डिंग। इस कार में आपको दो वेरिएंट्स सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से ऑफर किए गए हैं, 6 सीटर और 7 सीटर। इससे आप अपने फैमिली के साइज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ये वाला जो वेरिएंट आप देख रहे हो, ये जो है हमें इसके अंदर कैप्टन सीट देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर डिजाइन की। किया कैरेंस की लेंथ 4540 mm और व्हील बेस है 2780 mm का, जो कि सेल्टोस से 170 mm लंबी है। इसकी अपेयरेंस में आपको मिलते हैं LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, LED हेडलैम्प्स, LED रियर लाइट्स और LED फॉग लैम्प्स। ये सब फीचर इस कार को मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देते हैं। कार की फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे तो आप देख सकते हो काफी बढ़िया जो है इसकी हमें फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। बढ़िया सी जो है हमें यहाँ पे हेडलैम्प्स, DRLS टर्न इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट ग्रिल की भी बात करेंगे तो बढ़िया से पैनो फिनिशिंग में इसका फ्रंट ग्रिल हमें जो है ऑफर किया गया है। सेंटर में आप देख सकते हो बढ़िया सी जो है किया की हमें बैजिंग देखने को मिल जाती है। ऊपर के साइड में हमें जो है बढ़िया से रूफ रेल्स भी जो है इसके अंदर ऑफर किए गए हैं। आप देख सकते हो फ्रंट साइड से काफ़ी ह्यूज, काफ़ी बड़ी कार जो है हमें देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसके डिजाइन की भी बात करेंगे तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कार हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कार के साइड प्रोफाइल की, तो आप देख सकते हो कार काफ़ी लंबी हमें देखने को मिल जाती है। साथ साथ में इसके अंदर हमें डुअल टोन कलर के अंदर डायमंड शेप में अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जिसका साइज 195/65R15 जो है देखने को मिल जाता है। ORVM आप देख सकते हो बढ़िया से पैनो फिनिशिंग में, टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन भी उसी पे दिया है। ओवरऑल कार की लुक जो है बहुत ही बढ़िया, काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं इसके रेयर प्रोफाइल की, तो आप देख सकते हो रेयर प्रोफाइल भी काफ़ी बढ़िया जो है हमें देखने को मिलती है। कलेक्टेड LED टेल लैम्प हमें जो है इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे बढ़िया सी किया की जो है बैजिंग सेंटर में देखने को मिल जाती है। ऊपर के साइड में शार्क फिन एंटीना मिलेगा आपको, और नीचे के साइड में ग्लास पे आपको डिफॉगर, वाइपर जो है ऑफर किए गए हैं। और नीचे के साइड में आपको जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर, कैमरा भी यहां पे मिलने वाले हैं, और साथ साथ में रिफ्लेक्टर्स भी यहां पे दिए हैं। ओवरऑल पीछे के साइड से लुक काफी बढ़िया, काफी मैसिव कार हमें देखने को मिल जाती है। अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करते हैं तो काफी बढ़िया जो है बूट स्पेस हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। अभी फिलहाल जो सीट इतने यहां पे फोल्ड है, तो इसके अंदर हमें 216 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। अगर हम थर्ड रो को फोल्ड करते हैं तो हमें जो है बूट स्पेस बड़ा होता भी दिखाई देता है, अप टू हमें जो है 645 लीटर्स का बूट स्पेस इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। पीछे के साइड से कार के इंटीरियर की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दी है, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जाइए जल्दी से जल्दी आपका जो है फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। कैरेंस के इंटीरियर की बात करेंगे तो बढ़िया सा मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे जो है बढ़िया सी किया की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। एयरबैग की प्लेसिंग भी यहीं पे दी गई है, साथ ही साथ में हमें हॉर्न का प्लेसिंग भी यहीं देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। अगर हम बात करेंगे इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, तो काफ़ी बड़ी जो है इंफोटेनमेंट स्क्रीन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बहुत सारे कंट्रोल्स भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये व्हाइट कलर में नहीं है, एक्चुअली ये ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा, पैनो फिनिशिंग में हमें देखने को मिल जाती है। एसी वेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे बढ़िया से जो है एसी वेंट देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही प्रीमियम जो है एसी वेंट हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो है बहुत सारे कंट्रोल्स जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं एसी के, तो यहाँ से आप जो है इसके टर्न ऑन ऑफ सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसके गियर लीवर की, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीके से जो है गियर लीवर इन्होंने डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि
पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल का, और यहाँ पे आपको जो है बढ़िया सा आमरेज देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप थोड़ा बहुत सामान भी कैरी कर सकते हो, यानी कि चार्जर वगैरह। और यहाँ पे नीचे के साइड में कप होल्डर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे और बढ़िया से जो है हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है आपको यूएसबी का ऑप्शन दिया गया है, 12 वोल्ट चार्जर देखने को मिलेगा। ओके, ओवरऑल यहाँ पे जो है बहुत सारे प्रीमियम से कंट्रोल हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिल डिसेंट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट भी जो है इन्होंने इसमें ऑफर किए हैं। यहाँ पे ऊपर के साइड में आपको जो है इसके सनरूफ के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से जो है इसका आप सनरूफ ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे लैंप्स का ऑप्शन दिया, यहीं से आप जो है इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है बढ़िया सी गॉगल होल्डर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। काफी प्रीमियम कार जो है आपको इंटीरियर में इसकी देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करेंगे राइट साइड डोर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कंट्रोल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विंडोज के सारे कंट्रोल्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ORVM के भी जो है बहुत सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ऑटो फोल्ड इलेक्ट्रॉनिकल फोल्डेबल जो है ORVMs आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल जो है यहाँ पे ORVM के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके पीछे की सीट्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैप्टन सीट आपको जो इसके अंदर देखने को मिल जाती है, बोश के बढ़िया से जो स्पीकर आपको जो इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और पीछे के साइड में आपको जो स्क्रीन भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ में अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं या फिर नाश्ता वगैरह करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बढ़िया सा जो है हमें जो है ट्रे आपको देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ में अगर हम इसके प्रीमियम फीचर्स की बात करेंगे, तो स्मार्ट एयर प्यूरीफायर भी आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और एक बढ़िया सी चीज़ की बात करेंगे, तो आप यहाँ पे इसके AC वेंट देख सकते हो ऊपर के साइड में दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर हम बात की जाए तो बहुत सारे आपको AC वेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए होते हैं, एक सेकंड, ठीक है, लेकिन इसके जो AC वेंट हमें ऊपर की ओर देखने को मिल जाते हैं। ब्लोअर की स्पीड जो है आप यहीं से सेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। गाड़ी का और एक बढ़िया सा फीचर की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप सीट जो है इसकी एक ही बटन पे सिर्फ फोल्ड कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया फीचर हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके लास्ट रो की, तो आप देख सकते हो मेरे हाइट के हिसाब से, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठना चाहूँगा, मेरे हाइट के हिसाब से आप देख सकते हो लेग स्पेस काफ़ी डिसेंट हमें देखने को मिल जाता है, मतलब बड़े लोग भी जो है पीछे की रो में, थर्ड रो में आराम से बैठ के जा सकते हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे कप होल्डर वगैरह भी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ से जो है आप अपनी मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, पीछे के साइड में भी जो है AC वेंट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइज, ये था किया कैरेंस का एक बेसिक सा ओवरव्यू। अगर आप कार को बुक करना चाहते हैं या फिर टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, तो सोलापुर पुणे हाईवे पे जो है किया का शोरूम है, तो वहाँ पे आके आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, कार को बुक कर सकते हो। शोरूम की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।